वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि आपका जो चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन, इसके कौन कौन से वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करके ही आपको अपना एनुअल एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको पहले तो पूरे चैप्टर का हमें प्रैक्टिस तो करना ही करना है। पहले आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करोगे, बट जब आपका मानो आपका फाइनल एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम अगर नज़दीक आ गया है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिन्हें हमें 100% प्रैक्टिस करना चाहिए। और आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझ जाओ आपका फुल चैप्टर का रिवीजन हो गया। आप इनको करके जाओ, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए जा रहे हैं, उनका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ज़रूर देखें। और मैं क्लास 8 के मैथ्स के सभी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, हमारा जो ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये आपको क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है उसको आप टिक करते चलें। एग्जांपल नंबर 1 ये हमें करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक भी होगी तो बस पेज नंबर अलग हो सकता है, सेम क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल 1 आपको प्रैक्टिस करना है। ट्राई दिस की क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से कर लोगे, ठीक है। करके आप सॉल्यूशन अपने टीचर को दिखा सकते हो, अपने बड़े भाई को दिखा सकते हो, ठीक है। देन अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्जांपल नंबर 3 आप प्रैक्टिस करेंगे। देन अब एक्सरसाइज 14.1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 7 एंड पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना रिवाइज करना है, 3, 4, 5, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिवाइज करना है सेकेंड क्वेश्चन को, फिफ्थ वाले को, सिक्स वाले को, एट वाले को एंड टेन वाले को। इतने क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में रिवाइज करना है हमको। कौन कौन सा? 2, 5, 6, 8 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज 14.1 में हमें करना है, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज कह लो एग्जांपल 4 आपको करना है अच्छे से प्रिपेयर, 4 एग्जांपल, एग्जांपल 5 आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, 4, 5। देन एग्जांपल नंबर 7 आप कर लेंगे, ठीक है। और ये जो 3 कह लो फॉर्मूले हैं, ये आपको 100% कहीं कॉपी पे नोट डाउन करके लर्न कर जाना है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है चैप्टर 14 में 100%। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इनको ज़रूर लर्न करना है। ये आपकी जो आपका क्लास 9th में आप जाओगे, क्लास 9th और 10th में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप कर लेंगे, एग्जांपल नंबर 8। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो कह लो एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको समझना होगा, अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, ये इसको आप एक बार टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 आप कर लोगे। देन 14.2 एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है, देन पार्ट 3 करना है, पार्ट 5 करना है, पार्ट 6 करना है एंड पार्ट 7 एंड 8 करना है क्वेश्चन नंबर 14.2 में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14.2 के क्वेश्चन 2 का सेकेंड करना है आपको, फिफ्थ करना है, फोर्थ करना है, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, 7 एंड 8, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज, क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज, क्वेश्चन नंबर 7 को रिवाइज एंड क्वेश्चन नंबर 9 को रिवाइज, इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आप पहला क्वेश्चन कर लोगे, थर्ड वाला कर लोगे आप एंड फिफ्थ वाला कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप 2 एंड 3 करोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.2 में से ये टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करके ही अपना फाइनल एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट जो भी आप देने जाते हो जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमें ये अब समझना है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 13, इसको आप पहले देख लेंगे एक बार। देन ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 15 करना है हमें। अब 14.3 एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 3, 4 एंड 5 कर लेंगे आप 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, फिफ्थ एंड फोर्थ,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको करना है 1, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें करना है पहला, तीसरा एंड पांचवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें करना है थर्ड वाला क्वेश्चन, सेवन्थ वाला क्वेश्चन एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनको आपको करना है एक्सरसाइज 4.3 में। बाकी अब जो ये आपका चैप्टर कह लो 14.4 जो आपका है फाइंड द करेक्ट एरर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे, सिक्स्थ कर लेंगे एंड नाइन्थ कर लेंगे, फोर्थ सिक्स एंड नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर टेन में आप बी कर लोगे बस, क्वेश्चन नंबर टेन का पार्ट बी। देन आप ट्वेल्थ कर लोगे, थर्टीनथ कर लोगे एंड सिक्सटीनथ कर लोगे एंड सेवनटीनथ कर लोगे बस, ठीक है। इतना ही करना है आपको एक्सरसाइज कह लो चैप्टर 14 से। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपको मैथ्स के अदर चैप्टर्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराया जाएगा। थैंक यू।